कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, ये लगातार जो है बिहार में जो सेंटर है उसका दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं नए नए जो आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। सर, क्या तैयारी हो रही है? नहीं, आप देख रहे होंगे कि पूरी तैयारी है और बड़ी संख्या में लोग आके टीका ले रहे हैं और आज जो शुरुआत हुई है फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर, 60 प्लस के अन्य बीमार लोगों का, तो लोग आ रहे हैं और हमारी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। हम लोगों को पूरा टीका दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर, ये आइसोलेशन सेंटर जो बनाए जा रहे हैं और काफ़ी लोग इस बार जो है जो ओमिक्रॉन का संक्रमण देखा जा रहा है, कल ही जो रिपोर्ट आया है 31 में से 27 लोगों जो ओमिक्रॉन के मामले से आए, तो ज़्यादातर सीवियरिटी का मामला क्या है ओमिक्रॉन? नहीं, आप देख रहे होंगे पूरे देश में, दुनिया में नया वेरियंट आया है ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है, बिहार में भी वो दिख रहा है। बट आप ये भी देख रहे होंगे कि सिवियरिटी नहीं है, मतलब संक्रमण शरीर पे ज़्यादा नहीं दिखता, लक्षण ज़्यादा नहीं दिखते और मरीजों को परेशानी कम हो रही है, तो लोग घर पे होम आइसोलेशन में रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। बट उनको दवाइयाँ ज़रूरी चाहिए, दवा लेना चाहिए, तो हम लोग उन तक दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं और टेलीमेडिसिन की सुविधा दे रहे हैं। जो भी चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की ज़रूरत है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। सर, एक छोटा सवाल। सर, जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आने में 5 से 6 दिन का, RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन लग जा रहा है, लोग काफ़ी मतलब अंदर से डरे हुए। ये आप कहाँ का समाचार सुना रहे हैं? मुझे तो नहीं मालूम, यदि कोई ऐसा मामला है तो बताइए। 24 घंटे में रिपोर्ट आता है, तो 24 घंटे में रिपोर्ट आता है, तो जिस तरह से जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है विभिन्न सेंटरों का है जायजा ले रहे हैं और आज से जो नए जो बूस्टर डोज दिया जा रहा है वहां पर भी सेंटर पर जाकर जायजा ले रहे हैं और किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह से जो है लोग भी पहुंच रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर से लोगों से भी अपील की सबसे ज़रूरी है टीका लेना, तो समय पर टीका ले और कोरोना से बचे। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।